अगर आप भी चाहती हैं प्रेगनेंसी तथा बच्चों से जुड़ी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान, तो सब्सक्राइब करें हेल्पिंग गाइड टीवी को और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग गाइड टीवी। वैसे तो प्रेगनेंसी में पूरे समय ही देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन आखिरी महीनों में आपकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बन जाती हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में यूरिन से जुड़ी कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आखिरी माह में आपका पेट सबसे ज़्यादा बढ़ चुका होता है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप यूरिन के लिए बैठे तो आपके पेट पर ज़्यादा दबाव ना बन पाए। यूरिन करते समय अपने दोनों हाथों का सहारा जरूर लें, ताकि पूरा दबाव आपकी वेजाइना पर ना बने और वेजाइना पर आपको भारीपन महसूस ना हो पाए। आखिरी महीने में वाटर ब्रेक होना लगभग आम बात हो जाती है, लेकिन महिलाएं इसे यूरिन ही समझ बैठती हैं। इस वाटर को एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। यूरिन और एमनियोटिक द्रव में काफ़ी अंतर होता है। यूरिन एक पतला और चिपचिपा नहीं होता है, लेकिन एमनियोटिक द्रव गाढ़ा भूरे रंग का और चिपचिपा होता है। अगर आप समझ नहीं पा रही हैं, तो आप एक सूखा हुआ कॉटन का कपड़ा लेकर के अपने पैंटी में लगाएं और चेक करें कि कितना एमनियोटिक द्रव निकल रहा है। यदि यह रिसाव ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यदि यह कपड़ा सूखा है तो इसका मतलब है कि आपको एमनियोटिक द्रव नहीं निकल रहा है, यानी वाटर ब्रेक नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो आपके कुछ टिप्स देने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।